कौन सी ऐसी सीट है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो सीधी टक्कर है वो कांग्रेस के साथ होने वाली है? कोई भी सीट मेरी नजर में ऐसी नहीं है जो कि भारतीय जनता पार्टी से सीधी टक्कर लेने को तैयार हो। और मैं दूर क्यों जाऊँ, ये बयान तो तू खुद हरीश रावत जी ने दिया। मैं भी पप्पू करके अभियान उन्होंने शुरू किया है और कहा है कि एक वो पप्पू और एक मेरा पप्पू। तो एक सीट है पौड़ी की, जो सीट है कुछ लोग अनुमान कर रहे हैं, कांग्रेस दावा कर रही है कि वो सीट उनके पाले में जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के दामन से खिसकती जा रही है। बड़ी कंफ्यूज पार्टी है कांग्रेस पार्टी, को अपनी गाठे खोलना नहीं आता और कांग्रेस के लोगों को मशखरी करने के अलावा कुछ बोलना ही नहीं आता। सबसे ज्यादा पेट में दर्द अगर रोजगार को लेकर और बेबुनियादी बात करती नजर आती है तो वो कांग्रेस सरकार नजर आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल और आप सभी के साथ मैं हूं मानी गुप्ता। चुनावी चर्चा लगातार चल रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 जो है सिर पर है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो चुनाव है उसमें जनता जो है ये जानना चाहती है कि आखिर उनका कौन सा जो जनप्रतिनिधि है वो ऊपर जाके संसद में बैठेगा और उनकी आवाज उठाएगा, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर बात करें कांग्रेस की, या फिर इस समय बात करते हैं एनडीए की, या फिर बात करते हैं इंडिया अलायंस की। हर तरीके से जो है सभी अपना जो कमर है, जो अपनी कमर है वो कस चुके हैं, लगातार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की जो प्रदेश प्रवक्ता है हनी पाठक आज काशीपुर पहुंची हैं, और यहां पर भी जो नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के अजय भट्ट, उनके लिए जनसंपर्क कर रही हैं। और ऐसे में हम बातचीत करेंगे क्योंकि प्रदेश प्रवक्ता है, पांचों सीटों पर गई हैं एक एक करके, किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों का रुझान है और क्या लगता है इनको, क्या कहना चाहेंगी मैम आगामी दिनों भी क्या चुनाव बिल्कुल सिर पर है, 19 तारीख को जो जनता है वो अपने प्रतिनिधि के लिए वोट करेगी। देखिए ऐसा है, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद सुरागी लाल न्यूज़ चैनल को जो काफ़ी लोकप्रिय चैनल भी है यहाँ पर। और मैं ये कहना चाहूँगी पांचों लोकसभा सीटों की जहाँ तक बात करते हैं तो इस समय अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के तौर पर अगर जननायक के रूप में अगर किसी नेता को कोई शपथ ग्रहण लेने देखना चाहता है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहता है। और जो कार्य धरातल पर हुआ है उसको कोई भी नकार नहीं सकता, क्योंकि महिलाएँ हों, बच्चे हों, रोजगार हो, चाहे कोई भी दिशा हो, उस हर दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने संकल्प पत्र में वायदा किया था उसको धरातल पर उतारा है। तभी बार बार सब ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब की बार 400 पार, फिर चाहिए हमें मोदी सरकार। दूसरा सवाल जो है मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आप पांचों सीटों पर जा रही हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी आपके सामने खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, और कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर जो है काफ़ी दिग्गज भी जो है कांग्रेस ने अपने उतारे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड की पांचों सीटों में अगर हम बात करें आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी सीट है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो सीधी टक्कर है वो कांग्रेस के साथ होने वाली है? कोई भी सीट मेरी नज़र में ऐसी नहीं है जो कि भारतीय जनता पार्टी से सीधी टक्कर लेने को तैयार हो। और मैं दूर क्यों जाऊँ, ये बयान तो तू खुद हरीश रावत जी ने दिया, जिनके सुपुत्र इस समय हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और उसका प्रचार लगातार त्रिवेंद्र रावत जी को करना पड़ रहा है, क्योंकि एक दो बयान इनके सामने आए हैं कि मैं भी पप्पू करके अभियान उन्होंने शुरू किया है और कहा है कि एक वो पप्पू और एक मेरा पप्पू। तो जो अपने ही पुत्र को पप्पू कहते नज़र आ रहे हैं और जिस भी जनसभा में उनके पप्पू साहब जा रहे हैं वहां पर हाथ हिलाते या कॉमेडी ही करते नज़र आ रहे हैं। दूसरा, हरीश रावत जी का दो दिन पहले एक बयान आता है जिसमें वो ये कहते नज़र आते कि हमारे कार्यकर्ता सुस्त हैं, भाजपा के कार्यकर्ता चुस्त हैं। तो ये सब चीज़ें खुद ही साबित कर रही हैं कि कांग्रेस का कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। और जिस प्रकार से कल दिनेश अग्रवाल जी ने भी पार्टी का दामन छोड़ते हुए इस्तीफा दे दिया है, जो कि कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे और कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि कांग्रेस में क्या अंतर्कलह चल रही है, क्यों लोग उनको अपना नहीं पा रहे हैं, क्यों वो लोग धरातल पर उतर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक होता है नेता, एक होता है सिर्फ नेता, तो कांग्रेस में सिर्फ अब नेता ही बचे हैं जो कि जनप्रिय नहीं बन पा रहे हैं, लोगों के बीच नहीं जा पा रहे हैं और घड़ी घड़ी मस्करी करते रहते हैं। तो मैं एक कहावत के तौर पे उनको कहना चाहूँगी कि इनको अपनी गाठें खोलना नहीं आता और कांग्रेस के लोगों को मस्करी करने के अलावा कुछ बोलना ही नहीं आता। और दूसरा मुहावरा मैं इनके सामने और पेश करूँगी सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को भी, कि आप भाजपा की तरह मोहब्बत तो करो, हम कांग्रेस की तरह आपकी मोहब्बत में डूब ना जाए तो कहना, क्योंकि उनको कार्य करना नहीं आ रहा है, धरातल पर उतरना नहीं आ रहा है और कुछ काम कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ साबित कर रही है
कि उन्होंने किस प्रकार से राज किया 70 सालों में, और एकदम बेकार राज किया। क्योंकि जो भारत की अगर सिर्फ एक बात मैं कहूँ तो 70 साल में भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ले जाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। जब दो हमारी सरकार के टर्नओवर में केंद्र सरकार को दो ही बार हुआ, 5-5, 10 साल, इन 10 सालों में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनके जब हमारा भारतवर्ष उभर रहा है और उभर चुका है, और 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का वादा यहाँ रुद्रपुर की रैली में हमारे जननायक जनप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह करके गए थे, तो आप खुद सोचें और जनता भी सोच रही है कि 70 सालों में क्या हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के नहीं उभर पा रहे थे। लेकिन कार्य जब धरातल पर था ही नहीं, सब परिवारवाद में लगे हुए थे। रोजगार की बात करते, सबसे ज़्यादा पेट में दर्द अगर रोजगार को लेकर और बेबुनियादी बात करती नज़र आती है तो वो कांग्रेस सरकार नज़र आती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने राजनीति को आय का साधन माना हुआ था, और जिस प्रकार से इनको एकदम साफ कर दिया गया है, तो सबसे बड़े बेरोजगार अगर इस समय कोई हैं तो वो कांग्रेस के लोग हैं, क्योंकि इस समय उनका रोजगार पूरा भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। बात करते हैं जिस तरीके से अब एक एक करके जब हम बात कर ही रहे हैं लोकसभा सीटों पर उत्तराखंड की, तो एक सीट है पौड़ी की जो सीट है जिसपे सामने विपक्ष में हम बात करें तो गणेश गोदियाल खड़े हैं, और जिस दिन वो अपना नामांकन भरने गए थे उस दिन की एक तस्वीरें जो हैं, जो उनकी भीड़, जो जनता उनके साथ वहाँ खड़ी थी मौके पर, उसको देखकर कुछ लोग अनुमान कर रहे हैं, कांग्रेस दावा कर रही है कि वो सीट उनके पाले में जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के दामन से खिसकती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे उस सीट को लेकर? बड़ी कंफ्यूज पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कभी तो कहती है 5ों लोकसभा सीट हमारे हैं, कभी कह रही है सिर्फ गणेश गोदियाल जी की सीट में हमारे हैं। तो पहले तय करें कि उनको कौन सी सीट पे इतना ज़्यादा उम्मीद है और सिर्फ गणेश गोदियाल जी की सीट पर इतनी उम्मीद है। महाराष्ट्र का राशन कार्ड उत्तराखंड का राशन खा रहे हैं और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि हम यहाँ के रहबार हैं। ये गलती बातें ना किया करें, क्योंकि मस्करी क्यों कर रहे हैं और कितनी करेंगे, क्योंकि अब आपकी मस्करी को आपने खुद कह दिया हम पप्पू अभियान चला रहे हैं, तो इस तरीके की मस्करी की हमको तो पूरी तरीके से उम्मीद है अब आपसे। तो अब हमारे बीच में जुड़ेंगे, क्योंकि एक सवाल है, क्योंकि भाई नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा में ही हम खड़े हैं और उस चीज़ की हम बात ना करें तो कैसे काम चलेगा। काशीपुर विधानसभा का जो कार्यालय है, और बात करें इस समय जो मीडिया प्रभारी भी हैं भारतीय जनता पार्टी जिले के, तो बातचीत करेंगे किस तरीके से देखते हैं आपके इस काशीपुर जिले के, जो कि भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक जिला है, किस तरीके से जो है आपका आगे की जो रणनीति है वो रहने वाली है। देखिए, रणनीति बहुत बढ़िया है, हम चुनाव जीत रहे हैं, इस बार 5 लाख वोटों से हम जीत रहे हैं और जनता ने मन बना लिया कि हमने इस बार फिर से अजय भट्ट जी को चुन के भेजना है, क्योंकि अजय भट्ट जी हमारे केंद्र रक्षा राज्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने मोदी की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का काम किया है और उन्हीं योजनाओं का यहाँ की जनता लाभ ले रही है। और आने वाले टाइम में मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि जो 19 तारीख को जब मतदान होगा, कमल के फूल बटन दबेगा और हमारे अजय भट्ट जी जो विकास कार्यों जनहित में कर रहे हैं वो 5 लाख वोटों से अधिक मतों से वो जीतेंगे। और बाकी आप जानते हैं कि काशीपुर के अंदर अजय भट्ट जी अभी क्या कहते हैं, फ्लाईओवर बनी रहा है, सड़कों का जाल उन्हें बिछाई दिया है और अभी लाल कुआं से उन्हें अमृतसर ट्रेन चलाने का उन्हें काम करा है। ऐसे अनेकों योजना है, अभी रामनगर से यहाँ से 4 लेन होने जा रही है, ऐसे बहुत सी योजनाएं हैं जो काशीपुर की जनता क्या जानती है, पूरी नैनीताल लोकसभा की जनता जानती है, उनके सांसद ने उनके लिए क्या करा है। और मैं आपकी बार 400 बार और मैं अजय भट्ट जी को पुनः बधाई देना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि इस बार हम 5 लाख वोटों से हम जीतने जा रहे हैं। तो ये हमारे बीच में जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं और जो काशीपुर के जिला मीडिया प्रभारी हैं, दोनों ही लोगों से हमने बातचीत करी और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, क्योंकि चुनाव सिर पर है, 19 तारीख को जनता अपने जनप्रतिनिधि के लिए वोट करने जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने दोनों अलायंसेस की बात करें तो कौन किसको पछाड़ता है ये देखने वाली बात होगी। सभी अपडेट्स आपको चुनावी दंगल की रहेंगी सुरागीलाल न्यूज चैनल पर, तब तक के लिए जुड़े रहिए, धन्यवाद।